2 दिसंबर से आरंभ हुआ अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव रविवार को समाप्त हो रहा है। ऐसे में इस गीता जयंती महोत्सव में लोगों की भीड़ खासी उमड़ रही है। लोग खाने पीने की चीजों का भी खूब आनंद ले रहे हैं। गीता महोत्सव में ताऊ बलजीत सिंह गोहाना की जलेबी आने वाले सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। बता दें, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव में तरह तरह के रंग बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। इन्हीं रंगों के बीच गीता महोत्सव में ताऊ बलजीत सिंह गोहाना की जलेबी आने वाले सैलानियों को काफी आकर्षित कर रही है। गीता महोत्सव में वैसे तो अलग अलग प्रकार के मिष्ठान देखने को मिल रहे हैं, लेकिन गोहाना की ये जलेबी दर्शक बड़े चाव से खा रहे हैं। यहाँ तक कि जलेबी की दुकान पर भारी मात्रा में ग्राहकों का तांता भी लगा रहता है, जिससे महोत्सव में चार चांद लग रहे हैं। इस बारे में जब जलेबी खाने आए ग्राहकों से बातचीत की गई तो उन्होंने गोहाना की बहुत ही फेमस जलेबी के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि ये जलेबी बहुत ही स्वादिष्ट है। कुरुक्षेत्र जयंती में 2008 से हमारे हैं, लगातार आ रहे हैं, और वैसे मैंने 60 साल हो गए काम करते हैं, जो कि पहले गीता जयंती में शुरू माना तो कराया था बलजीत ने आना कि तो दुनिया आ जाती है, दुनिया मातू लिख लेती है, मातू का इतना काम है वहाँ, वो कहीं बाहर नहीं जाते। गुहाने में मैंने मातू का 40 साल नौकरी कराखी है, असली दुकान मातू की दुकान है, वो कभी मिले मिले मिल जाता उसके वहाँ इतना काम है, कोई वो मातू लिख कर चल पड़ता है मैं मातू हूँ। अब तो ऐसी बातें हो रही है, तो असली निकली तो असली तो माल बताता है, जो चीज़ बताती है असली निकली की, असली नकली की तो चीज़ बताती है। और मैं तो खुद खड़ा होता हूँ, जहाँ स्टोर लगाता हूँ। अम्बाला से आया हूँ, बहुत प्रसिद्ध है और टेस्टी भी होती है जलेबी। जैसे रोहतक की रेवड़ी मशहूर होती है, खाने में बड़ा सॉफ्ट होती है, ये भी सॉफ्ट है, अच्छा है। रेट थोड़ा ज़्यादा जुड़ा है इनका, लेकिन इसका लेवल स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है। शुद्धता तो देखो कुछ नहीं कह सकते, खाने के बाद पता चलेगा, एक विश्वास की बात है, विश्वास के ऊपर हम लोग इसको लेते हैं, टेस्ट करते हैं। बाहर से आए हुए तो इन चीज़ों का आनंद तो लेंगे ना। बाहर क्या नाम है? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, अम्बाला से आया हूँ।